रविवार की सुबह 3 बजे अरुणावती बांध में एक मछुआरे की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। बाद देर रात तक उसकी लाश बरामद नहीं हुई थी। ऐसे में काफी छानबीन के बाद परिसर के गोताखोरों और मछुआरों ने सोमवार की सुबह 10 बजे उसकी लाश को ढूंढ निकाला। लाश को दिग्रस पुलिस के सुपुर्द कर दिग्रस ग्रामीण अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सोमवार की सुबह 10 बजे अरुणावती बांध से बरामद मृतक मछुआरे दिलीप किशन बावनी की लाश को देखने बड़ी संख्या में सावंगा बुजुर्ग निवासियों सहित परिसरवासी और मृतक के परिजन और रिश्तेदार उपस्थित थे। लाश को नाव से निकालकर मछुआरों ने मौके पर मौजूद दिग्रस पुलिस कर्मियों को लाश सुपुर्द कर दिग्रस स्थित ग्रामीण अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। यांची डेड बॉडी आम्हाला 10:30 सापडली आणि आम्ही त्याला सरळ पोलीस स्टेशन पोलीसवाले भी होते तिथं आणि आम्ही त्याला सरळ सरकारी दवाखान्यामध्ये PM करायला घेऊन आलो। सूत्रों ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए लाश को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। गौरतलब है कि अरुणावती बांध में मछलियां पकड़ने वाले मछुआरों के पास जीवन सुरक्षा के कोई साधन नहीं है। जिन ठेकेदारों के लिए ये लोग मछलियां बेचते हैं, उन ठेकेदारों को भी इनकी जान की कोई परवाह नहीं है। हालांकि इंसानियत के नाते ये उनका दायित्व है कि वे अपनी जान जोखिम में डाल के मछलियां पकड़ने का काम करने वाले इन मछुआरों को लाइफ सेफ्टी जैकेट्स आदि सुरक्षा साधन उपलब्ध कराए, लेकिन किसी भी ठेकेदार ने कभी इस बारे में कोई फिक्र नहीं की है। बहरहाल स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आकर मछुआरों को सुरक्षा के साधन उपलब्ध करा सकती है, जिसे भविष्य में अपना पेट पालने के लिए जान जोखिम में डालकर दो वक्त की रोटी जुटाने वाले मछुआरों पर जान से हाथ धोने की नौबत न आन पड़े। NBC News के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।